नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। महानुभाव पदुनंदी पंचवी शतिका आप सुन रहे हैं, इसका स्वाध्याय चल रहा है। आप धर्म के लक्षण में पांचवा लक्षण सुनेंगे, निःशेषामल शील सद्गुणमयी मत्यंत साम्य स्थिताम वंदे ताम परमात्मन प्रणयिनी कृत्यांतगाम संस्थताम यत्रानंत चतुष्टयामृत सरित्यान त्यात्मानमंतर्गतम न प्राप्नोति जरादि दुस्सह शिखा संसार दावान लहां। शुद्धात्मा की परिणति, पांचवा धर्म है शुद्धात्म परिणति। यहाँ पर आचार्य देव उस शुद्धात्म परिणति को नमस्कार करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर विवेचन कर रहे हैं। शुद्धात्म परिणति कैसी है कि जो निःशेषामल सीद सद्गुणमयी, जो संपूर्ण निर्दोष निर्मल शील और गुणों से सहित है, संयुक्त है, अत्यंत साम्य स्थिताम अत्यंत साम्य स्वरूप है, समता भाव रूप है, परम समता भाव स्वरूप है। वंदे ताम परमात्मना प्रणयिनी कृत्यांतगाम स्वस्थताम, ऐसी स्वस्थता को यहाँ आचार्य देव ने स्वयं नमस्कार किया है, उसकी वंदना की है। भव्यात्माओं, ये स्वस्थता, आत्मा की स्वस्थता, पूर्ण स्वस्थता। कोई भी आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ है। वो स्वास्थ्य कौन सा? व्यवहार में हम और आप उस स्वास्थ्य का संबंध शरीर से जोड़ते हैं, शरीर स्वस्थ है। लेकिन साधुओं में दिगंबर जैन परंपरा में परंपरा है पूछने की, आगम की आज्ञा है, आपका रत्नत्रय कुशल है। रत्नत्रय कुशल है तो आत्मा स्वस्थ है। रत्नत्रय समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र कुशल है, ठीक है, निर्दोष पल रहे हैं तो आत्मा स्वस्थ है, और नहीं तो अस्वस्थ है। यहाँ आत्मा की स्वस्थता पूछी जाती है। तो भव्यात्माओं, दिगंबर जैन साधुओं की परंपरा में यही पूछने की परंपरा है। श्रावक भी जो प्रबुद्ध होते हैं, साधुओं के संपर्क में आते जाते हैं, जिन्हें आगम का ज्ञान मिल जाता है, वो यही पूछते हैं, माता जी आपका रत्नत्रय कुशल है? भव्यात्माओं, ये रत्नत्रय की कुशलता ही स्वस्थता है। और स्वस्थता यहाँ, उस स्वस्थता को, आत्मा की पूर्ण स्वस्थता को यहाँ नमस्कार किया है, उसकी वंदना की है। भव्यात्माओं, वो स्वस्थता कैसी है कि निःशेषामल शील सद्गुणमयी, जो संपूर्ण निर्दोष शील और सद्गुणों से सहित है, अत्यंत साम्य स्थिताम अत्यंत समताभाव को प्राप्त है, और जो स्वस्थता परमात्मना प्रणयिनी, परमात्मा की प्रणयी है, प्रणयिनी है, जिसमें परमात्मा की जो वल्लभा, परमात्मा की जो प्रेषी वल्लभा है, कृत्यांतगाम और कृत्य अवस्था को जो प्राप्त है, ऐसी स्वस्थता। यानी आत्मा में स्वस्थता का अर्थ क्या है? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो अपने आप में स्थित हो, ठहरे, स्थिर रहे, यानी निर्विकल्प ध्यान की अवस्था, बिल्कुल पूर्ण ध्यान की अवस्था। एक तो प्रारंभिक स्वस्थता है, मुनियों की स्वस्थता, और सिद्धों की स्वस्थता क्या है, सिद्धों का स्वास्थ्य लाभ क्या है, जहाँ पर अनंत चतुष्टय रूपी अमृत भरा हुआ है, अनंत चतुष्टय रूपी अमृत की जो नदी सरिता, उसमें आत्मा निमग्न है। जो ऐसी जो स्वस्थता होती है, अनंत चतुष्टय स्वरूप जो अमृत, वही हुई एक नदी, अमृत की नदी, उस नदी में निमग्न आत्मा पूर्ण स्वस्थ है। ऐसी अवस्था को, ऐसी पूर्ण स्वस्थता को आचार्य देव, पद्मनंदी आचार्य देव नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, उस स्वस्थता को प्राप्त कर लेने पर जरादि दुस्सह शिखा संसार दावा नलहा न प्राप्त होती। जरादि वृद्धावस्था रोग आदि से दुस्सह जो अग्नि संसार की दावा न लगनी, वो जहाँ प्राप्त नहीं होती है, ऐसी जो स्वस्थता, पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होती है, उस स्वस्थता को यहाँ नमस्कार किया है। भव्यात्माओं, इस स्वस्थता में भी दो भेद आप कर लीजिए। एक तो स्वस्थता निर्विकल्प ध्यान करने वाले महासाधुओं की,
जिस समय निरुकल विधान में चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के ध्यान में योगी निमग्न होते हैं, निरुकल विधान में उत्कृष्ट समाधि में, उस समय जो स्वस्थता का अनुभव आता है, एक वो स्वस्थता और एक संपूर्ण कर्मों के नाश से होने वाली स्वस्थता, ये कार्य कारण संबंध है। ये निरुकल ध्यान रूप जो स्वस्थता है, ये स्वस्थता कारण और वो स्वस्थता जो पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था प्राप्त होती है, वो स्वस्थता कार्य। इसीलिए आचार्य देव उस स्वस्थता को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि भगवात्माओं, जाति याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा जाता यत्र न कर्म काय घटना नो वाग् न च व्याधय यत्रात्मैव परम चकास्ति विशद ज्ञानैकमूर्ति प्रभु नित्यम तत्पद्माश्रिता निरुपमा सिद्धा सदा पातु अहम्। भगवात्मा ये उसी स्वस्थता को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि जो स्वस्थता जहाँ पर ऐसे निरुपम सिद्ध अवस्था, सिद्ध उपमा रहित जो सिद्ध भगवान हैं, वो वह युष्माकम हमारे और आपकी सबकी रक्षा करें, सबका सदा पालन करें। जाति याति न यत्र, जहाँ पर जन्म नहीं है, और यत्र च मृतो मृत्यु, जहाँ मृत्यु मर गई, जहाँ मृत्यु ही मर गई, अर्थात मरण का अभाव हो गया, मृत्यु का अंत हो गया, अंतक का अंत करने वाले भगवान, और जरा जर्जरा, जहाँ जरा जर्जरित हो गई अर्थात वृद्धावस्था नहीं है, और जाता यत्र न कर्म काय घटना, और जहाँ कर्म से होने वाले शरीर की कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया जहाँ नहीं है, नो वाग न च व्याधयः, जहाँ वचन नहीं है, जहाँ व्याधियाँ नहीं, कुछ भी नहीं है, यत्रात्मैव परम चकास्ति विशद ज्ञानैक मूर्ति प्रभु, जहाँ केवल आत्मा ही आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, विशद निर्मल एक ज्ञान की मूर्ति स्वरूप आत्मा, प्रभु समर्थ आत्मा चकास्ति शोभायमान होती है। ऐसी वो स्वस्थ अवस्था, उस स्वस्थ अवस्था को जिन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान सदा वह फांतु हम और आपकी सभी की रक्षा करें। भगवात्मा मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि इस पद्मनंदी पंचवी शतिका में धर्म के पांच भेद किए। पहले दया धर्म, दूसरा श्रावक और मुनि का धर्म, तीसरा रत्नत्रय धर्म और चौथा दशरक्षण धर्म, पांचवा शुद्धात्मा की परिणति स्वरूप धर्म। तो भगवात्मा शुद्धात्मा की परिणति स्वरूप जो धर्म है, वह देखा जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए ही इन सभी धर्मों का अनुष्ठान है। ये सभी धर्म कारण हैं और शुद्धात्मा की परिणति, शुद्धात्मा में परिणति का होना, चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के ध्यान में निमग्न हो जाना, ये कार्य है। भगवात्मा ये निश्चय समय सार, निश्चय रत्नत्रय की अवस्था, निश्चय रत्नत्रय से कहो, निश्चय समय सार कहो, कार्य समय सार कहो, अथवा इसे जो है यह समझ लीजिए कि रत्नत्रय की एकाग्र परिणति। इसीलिए व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा साध्य है। आचार्य शांतसार महाराज ने अपने 26 दिन के उपवास के अंतिम उपदेश में, सल्लेखनारद आचार्य शांतसार महाराज ने कुंथलगिरी में अपने प्रवचन में यही कहा था मराठी में कि सब फूल जैसे फल के लिए फूल कारण है, वैसे ही निरुकल्प ध्यान के लिए, शुद्धात्मा की परिणति स्वरूप ध्यान के लिए व्यवहार रत्नत्रय कारण है। भगवात्मा तो इसीलिए ये जो है शुद्धात्मा का ध्यान, चित्तेश्वर भगवान आत्मा का ध्यान महामुनियों के लिए ही संभव है, वो भी आजकल कथनचित कदाचित क्वचित कभी किन्हीं मुनियों के निरुकल्प ध्यान क्षण भर के लिए हो सकता है। सातवें गुरु स्थान में गए, यहाँ इसी शुद्धात्म परिणति स्वरूप धर्म ध्यान में, इस धर्म के लक्षण में बहुत सारे श्लोक हैं, मैं तो सार रूप में आपको एक दो सुना दूंगी, आप स्वाध्याय करके उनका अनुभव करें। एक प्रश्नोत्तर रूप में आचार्य श्री पद्मनंदी ने बड़ी सुंदर बात कही है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, मैं आपको भी सुनाऊँ। हे चेतहा किम जीव तिष्ठसि कथम चिंता स्थितम साकुतो राग द्वेष वशात् तयोः परिचयः कस्मात् त्यजातस्तव।
इष्टानिष्ट समागमात इति यदि स्वभ्रम तवा तदावाम गतौ नो चेन् मुंच समस्त मेतदतिरा आदिष्टादि संकल्पनम। प्रसन्नता रूप से कहते हैं कि जैसे किसी समय जीव अपने मन से पूछता है कि हे मन, तू कहाँ रहता है, किस स्थिति में रहता है, तो मन कहता है चिंता स्थितम, मैं हर वक्त चिंता में ग्रस्त रहता हूँ। तो जीव पूछता है कि साकुतो, वो क्यों होती है, तो राग द्वेष के साथ वो चिंता राग और द्वेष से होती है, किसी वस्तु में प्रेम, किसी में द्वेष, किसी में रति, किसी में अरति, इससे होती है। तो कहते हैं तयो परचया अकस्मात् जातस्तवा। तो जीव पूछता है मन से कि हे मन, तू ये बता कि इन दोनों का परिचय तेरा कब से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कहता है कि इष्टानिष्ट समागमात, इष्ट वस्तु और अनिष्ट वस्तु के संयोग से हो गया। इष्ट वस्तु और अनिष्ट वस्तु का जो संयोग होता है उसी से राग द्वेष होता है। तो फिर जीव पूछता है कि यदि ऐसी बात है तो हे मन देख, स्वभ्रम तदावाम गतो, देख अगर ऐसी बात है तो इष्ट और अनिष्ट का समागम तो शीघ्र ही छोड़ दे, नहीं तो हम और तुम दोनों ही जो है नरक में चले जाएंगे, दोनों को ही नरक में जाना पड़ेगा। जीव कहता है हे मन देख, तू नोचेन मुंच समस्त मेद गतिरादिष्टाद संकल्पना, इष्ट अनिष्ट वस्तुओं की संकल्पना तो छोड़ दे, संसार में कोई वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है, नहीं तो हम दोनों को ही नरक में जाना पड़ेगा। ये जीव मन से कह रहा है, मन को समझा रहा है। बद्रात्मा बात यही है कि इष्ट और अनिष्ट की कल्पना कब छूटेगी, जब उन वस्तुओं का संयोग छूटेगा। चावल की धान्य की, धान्य जो है उसकर का ऊपर का छिड़का हटे बगैर अंदर की लड़ाई नहीं जा सकती है। बाहर का परिग्रह छोड़े बगैर, बाहर के परिग्रह को छोड़े बिना अंतरंग की कालिमा, अंतरंग की इस अनिष्ट की कल्पना राग द्वेष नहीं मिट सकता है। और फिर भी इसमें भी सोचने का विषय है, जो वस्तु गर्मी में सुखकर प्रतीत होती वही सर्दी में अच्छी नहीं लगती, गर्मी में ठंडक अच्छी लगती है, ठंडी हवा, ठंडा पानी आदि, और बारीक कपड़े, सर्दी में मोटे कपड़े पहनते हैं आप और धूप का सेवन करते हैं, आँच अच्छी लगती है, आग में तापते हैं। भव्यात्मा संसार में स्थिति यही है कि इष्ट और अनिष्ट वस्तु के निमित्त से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से चिंता होती है, और चिंता से ये जीव दुर्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए ये जीव मन को संबोधित करता हुआ यहाँ कहता है, कितनी सुंदर कल्पना आचार्य ने संजोई है। तो भव्यात्मा मूल सार यहाँ यही है कि परिग्रह को छोड़कर, आरंभ और परिग्रह को छोड़कर निर्गंध दिगंबर मुनि बनो, आरिका बनो, पुनः चित्चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करो, ये शुद्धात्मा का परिणति, ये परम धर्म। कुंद कुंद देव ने भी कहा है चारित्तम खर धम्मो, धम्मो जो से हो समोत्ति निर्दिष्ठो, वो जो समता परिणाम रूप जो है वही चारित्र है, वही धर्म है। तो उत्कृष्ट चारित्र निश्चय, चारित्र निश्चय धर्म, इसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार धर्म है। यहाँ पर मैंने इस पदोन्नति पंचविंशतिका में धर्मोपदेशामृत में आपको मैं बताऊं कि इसमें जो है 198 श्लोक हैं, सार रूप से मैंने आपको कुछ 20-25 श्लोकों का सार आपको बताया है। आप स्वयं इसका स्वाध्याय करके इसका रसास्वादन करें और ये ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हुए अपनी आत्मा को तृप्त करें, पुष्ट करें। यही मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है।